CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम गंदी आदतें। आलेख सरोजनी प्रीतम का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभुदयाल खट्टर। था कौवा, नाम था कालू, कालू कौवा। उसने देखा एक तोता, वो टैंटे तोता हर रोज सामने वाले मकान में जाता और वहां बूढ़ी माँ उसे रोज पूरी खिलाती। टैंटे तोता मजे से पूरी खाकर उड़ जाता। एक बार कालू कौवे ने तोते से पूछा, दादी माँ तुम्हें रोज पूरी खिलाती है, मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे भगा देती है, ऐसा क्यों? देखते नहीं मैं कितना साफ हूँ, मेरे ये हरे हरे पंख, लाल लाल चोंच, तुम्हारे पंख गंदे हैं, तुम्हारी चोंच भी गंदी है, तुम अपने पंख धुलवा लो, दादी माँ तुम्हें भी रोज पूरी खिलाएगी। टे टे सच? तब तो मैं अपने पंख जरूर साफ करवाऊंगा। अब मैं तुम्हारे पास तभी आऊंगा जब मेरी चोंच और पंख साफ और सुंदर हो जाएंगे। ये कहकर कालू कौवा उड़ गया। वो जोर जोर से काँव काँव करता जा रहा था और सोच रहा था कि पंख और चोंच कहाँ से साफ करवाए। कालू कौवा काँव काँव गाए, पंख कहाँ से धुलवाए, अरे कालू कौवा काँव काँव गाए, पंख कहाँ से धुलवाए, कालू कौवा काँव काँव गाए, पंख कहाँ से धुलवाए। कौवे की काँव का एक धोबी के गधे ने सुनी और गधा कौवे को दुखी देखकर पिघल उठा। वो कौवे से बोला, ओ कौवे तू मेरे धोबी से पंख धुलवा ले। सच? धोबी मेरे पंख धोकर साफ कर देगा? हाँ कह दूंगा धोबी से, वो मेरी बात नहीं टालेगा, वो मुझे बहुत प्यार करता है ना। कौवा और गधा धोबी के पास गए। धोबी के पास जाकर गधा बोला, धोबी जी मेरे दोस्त कौवे के पंख धो दो। ठीक है ठीक है, इस कौवे से कहो अपने पंख यहाँ रख जाए। लेकिन मेरे पंख तो उतर ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा ठहरो, यहाँ बैठो, सब कपड़े धुल चुके हैं, अभी थोड़ा गर्म साबुन बाकी है, तुम्हारे लिए काफी होगा, इधर बैठ जाओ। तब धोबी गरम गरम साबुन की बाल्टी ले आया। धोबिन धोबी दोनों आए, साबुन का वो पानी लाए, कौवे को पानी में डुबोया, काँव काँव फिर कौवा रोया, बार बार फिर उसे झिंझोड़ा, पंखों को फिर खूब निचोड़ा, वाह वाह क्या खूब धुले थे, पंख आहा उजले उजले थे, पंख आहा उजले उजले थे। पंख धुलवाकर कालू कौवा तोते के पास पहुंचा। तोते के सामने उसने जोरों से पंख फड़फड़ाए।
तोता भी उसके साफ पंख देखकर खुश हो गया। लेकिन ये क्या, तोता उसे देखकर एकाएक फिर नाक भौंसी गोड़ने लगा। कौवे ने पूछा, अब क्या है, मुझे तो इतना साफ कर दिया है धोबी ने कि अब तो तुम्हारे पंख मैले नजर आने लगे हैं। टे टे, वो तो ठीक है, लेकिन कौवे भैया तुम्हारी चोंच तो गंदी ही रह गई। इसी चोंच को देखकर ही तो दादी माँ मुझे पूरी खिलाती है। टे टे, पहले तो उन्होंने मुझे पिंजरे में बंद कर रखा था, टे, अब मुझे छोड़ दिया है। मैं यहाँ वहाँ नहीं उड़ता, नहीं झूठन में चोंच मारता हूँ। टे टे, दादी का वो नन्ना सा पोता रिंकू, वो तो मुझसे रोज पूछता है, टेटे तुम दांत साफ करके आए हो क्या, तुम कौन सा मंजन लगाते हो। टेटे कौवे भैया, मैं तो रोज पहले चोंच धोता हूँ। टे, हमारी चोंच ही तो हमारे दांत है ना। अच्छा टेटे भाई, मैं चोंच भी साफ करवा कर आता हूँ। ये कहकर कौवा उड़कर फिर गधे की पीठ पर आ बैठा। फिर दोनों चल पड़े धोबी के पास। कौवे को अब चोंच साफ करवानी थी। कालू कौवा काँव काँव गाए, चोंच कहाँ वो धुलवाए। अरे कालू कौवा काँव काँव गाए, चोंच कहाँ वो धुलवाए। झूठन चाट चाट कर खाई, चोंच ना उसने थी धुलवाई। झूठन चाट चाट कर खाई, चोंच ना उसने थी धुलवाई। धोबी को फिर से मनवाया, चोंच को फिर उसने धुलवाया। अरे धोबी को फिर से मनवाया, चोंच को फिर उसने धुलवाया। चोंच को फिर उसने धुलवाया, चोंच को फिर उसने धुलवाया। चोंच साफ करवाकर कालू कौवा तेजी से उड़ा। टेंटे तोते ने उसके धुले उजले पंख देखे, साफ चोंच देखी तो हंसकर बोला, टेंटे टेंटे, अब तो तुम सचमुच ही बदल गए हो कौवे भैया। आओ आज तो हम दोनों पूरी खाएंगे। दोनों उड़ते उड़ते बूढ़ी दादी के आंगन में पहुंचे। दादी ने टेंटे तोते के लिए एक कटोरी में पूरी रखी। तोता चटपट सारी पूरी खा गया। दादी कालू कौवे के लिए एक और पूरी लेने चल पड़ी। तभी कौवे ने देखा बूढ़ी दादी का मुन्ना रिंकू पराठा खा रहा है। कौवे को बहुत भूख लगी थी, वो और ना रुक सका। उसने छटपट छपट कर रिंकू के हाथ से पराठा छीन लिया। मुन्ना चिल्लाया, दादी ने जब कौवे की यह हरकत देखी तो उसके गुस्से का ठिकाना न रहा। वो गरम जलती लकड़ी चूल्हे से निकालकर ले आई। कौवा मजे से पराठा खा रहा था। दादी ने लकड़ी उसकी पीठ पर दे मारी। बेचारे कौवे के सारे पंख जल गए। दादी बोली, सिर्फ पंख और चोंच धुलवाने से क्या होता है, आदतें तो वही पुरानी हैं। जब तक आदतें गंदी हैं तब तक चोंच और पंख धुलवाने का कोई फायदा नहीं। दादी के हाथों पिटने पर कौवा रो रहा था और दादी से कह रहा था, अब मैं अपनी गंदी आदतें भी छोड़ दूंगा।
कौए को अपनी गंदी आदत पर बहुत शर्म आई। वो सोच रहा था कि वो हर हालत में गंदी आदत छोड़ देगा। सोच रहा था कालू कौआ गंदी आदत सब छोड़ेगा। सोच रहा था कालू कौआ गंदी आदत सब छोड़ेगा। अच्छी आदत की तरफ खुद को वो अब मोड़ेगा। सोच रहा था कालू कौआ गंदी आदत सब छोड़ेगा। गंदी आदत सब छोड़ेगा। गंदी आदत सब छोड़ेगा। अच्छा दोस्तों, आप जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है अरे आलसी आलस छोड़ो। अरे आलसी आलस छोड़, मेहनत से तू नाता जोड़। अरे आलसी आलस छोड़, मेहनत से तू नाता जोड़। जो करता है बालक उसके मुंह पर कालिक है। जो मेहनत करता है बालक खाता आलू पालक है। सदा चलो मेहनत की ओर, अरे आलसी आलस छोड़। सदा चलो मेहनत की ओर, अरे आलसी आलस छोड़। जो करता है बालक उसकी चामत आई है। आलसियों के कान मरोड़, अरे आलसी आलस छोड़। आलसियों के कान मरोड़, अरे आलसी आलस छोड़। मेहनत करता है बालक वो हो जाता पाक है। आलस करने वाला बालक केवल चरता घात है। सदा करो मेहनत में जोर, अरे आलसी आलस छोड़। सदा करो मेहनत में जोर, अरे आलसी आलस छोड़। आलसी बैठा बैठा पे 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 चिल्लाता है। आलसियों का भांडा फोड़, अरे आलसी आलस छोड़। आलसियों का भांडा फोड़, अरे आलसी आलस छोड़। अरे आलसी आलस छोड़, अरे आलसी। रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।